अक्सर लोगों को जब अपने पति या पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो डिवोर्स दे देते हैं, लेकिन एक जयपुर बेस्ड बिजनेसमैन जो ब्रिटेन में रह रहे थे, उन्हें जब अपने पत्नी के अफेयर के बारे में जानकारी मिली तो उसे सह नहीं पाए, खूब समझाइश करी लेकिन थक हार कर अपनी जान ही दे बैठे। जयपुर के एक बिजनेसमैन 8वीं कक्षा में थे जब अपनी पत्नी से मिले, तब से साथ रहने की कस्में खा चुके थे। जब प्रेम संबंध के बारे में लड़के के घर पर पता चला तब उसने घर वालों से कहा कि उसके बिना मैं मर जाऊंगा। जिस लड़की के खातिर मरने की बात करी वही लड़की कहीं ना कहीं मौत का कारण रही। मालवीय नगर सेक्टर 2 के रहने वाले राजकुमार आहूजा के बेटे 38 साल के सुमित ने लंदन के चैरियट रोड पर एक अपार्टमेंट के 6th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले सुमित ने एक सुसाइड नोट लिखकर बहन को भेजा, 424 शब्दों का ये सुसाइड नोट, जिसमें ये साफ लिखा और कहा कि उन पे किसी का भी कोई उधार नहीं है, किसी से कोई लेन देन बाकी नहीं है, वो ये दुनिया छोड़कर जाने में अगर असफल होते हैं और बच जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी उनके माँ बाप के पास न भेजा जाए, वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहते। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उन सबकी नॉमिनी उन्होंने अपनी पत्नी को ही बना था, या यूं कहें कि पत्नी ने खुद को ही नॉमिनी बना लिया था। लेकिन सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उनकी सारी जायदाद, रुपया, पैसा उनके माँ बाप को बिना किसी दिक्कत के दे दिया जाए, क्योंकि वे इन सब के लिए लड़ाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी मौत के बाद मेरे प्यार यानी कि पत्नी को कोई बुरा भला ना कहे। सुमित के भाई यश बताते हैं कि उन्होंने पैसा खूब कमाया लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी पत्नी का रुचित नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था, जिसके चलते कई बार उनके बीच कहासुनी भी हुई। इसके चलते उनकी पत्नी ने 2 साल पहले डाइवोर्स भी फाइल कर दिया था। फिर भी कई बार सुमित ने उसे समझाइश करने की कोशिश की थी। अपने बचपन के प्यार को इस तरह दूर होता देख वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था। सुसाइड से कुछ समय पहले ही सुमित अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा था। उसके बाद जब दोस्त वहां से जाने लगे तो उनका और उनकी पत्नी का एक बार फिर से झगड़ा हुआ। जब सुमित के 6th फ्लोर से गिरने पर एक तेज आवाज आई तब आसपास के लोग वहां पहुंचे और सुमित को खून से लथपथ देखा। घर वालों ने जो पड़ोसियों से कांटेक्ट किया तो पता चला कि गिरते वक्त सुमित के हाथ बंधे हुए थे और उनके मुंह में एक कपड़ा भी था। इसे ध्यान में रखते हुए परिवार वालों ने इसे सुसाइड के बजाय मर्डर भी बताया है। भाई यश का आरोप है कि सुमित के दोस्तों ने शराब पिलाने के बाद उनका मुंह और हाथ बांध कर उन्हें धक्का दे दिया। ब्रिटेन पुलिस शव को परिजनों को सौंपने के बजाय पत्नी को देने की बात कह रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।